हेलो फ्रेंड्स, ये ट्रिप है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट की, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है। वीडियो को अच्छे से एंजॉय करने के लिए वीडियो बिना स्किप किए नॉर्मल स्पीड से देखें। तो चलो चालू करते हैं। थोड़ा सा नर्वस हूँ, नर्वस और थोड़ा सा सैड भी, बिकॉज अभी 6 मंथ्स जो है गुवाहाटी में रहा था और काफ़ी अमेजिंग टाइम था। बाय 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 सोनू। HP सोनापुर ना। मॉर्निंग में 8 o'clock निकलने के लिए हम तैयार हो गए थे, फिर 10 बजे जो है तो पोस्ट ऑफिस था, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा सामान पार्सल कर दिया और फिर गुवाहाटी से मैं अराउंड 12 o'clock निकला। और अभी ये जगह एक जैगरेट नाम है, तो ये जगह पे आया हूँ। थोड़ा पिछले वाला जो ब्रेक है उसका डिस्क है ना, थोड़ा कर आवाज़ आ रहा था। ब्रेक माने से साउंड कट है ना भैया, जो है बोल रहे उसका जो ब्रेक शो है ना पीसी का, वो खोल के उसको खोल के बिठा देंगे तो फिक्स हो जाएगा। और आपका नाम क्या भैया? धीराज। धीराज हाँ, भैया का नाम है धीराज। धीराज रहता है सब कुछ अच्छा हो जाता है। थैंक यू। यहाँ पे रुका हूँ खाना खाने के लिए, गर्म करके दिया है चपाती भैया ने। गुवाहाटी से निकलते वक्त ट्रिप ज़ीरो करना भूल गया था, तो अभी ट्रिप ज़ीरो कर दिया सो दैट हमें पता चले कि हमारा पूरा 7 सिस्टर का जो राइड है वो कितने किलोमीटर का होगा। पहले चला जाओ इटाना, इटाखाना चला जाना। हाँ, यहाँ घूम के आके काजीरंगा में स्टे करना। हाँ, अगर मैं पहले काजीरंगा करता हूँ बाद में ईटानगर करता हूँ, अब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, तो सिर्फ मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ अभी काजीरंगा। शॉर्टकट से तो जा रहे हैं बट काफ़ी एडवेंचर होने वाला है, चलो देखते हैं। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने पड़े। थोड़ा सा रुक के ड्रोन शॉट लेते हैं। अंधेरा होते ही मैंने एक गांव में रुकने का डिसाइड किया और यहाँ पे एक लोकल फेस्टिवल चल रहा था पूर्णिमा की वजह से, बहुत ही सुंदर आसामी कल्चर का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, तो चलो देखते हैं बिना स्किप किए ये पूरा प्रोग्राम, देखना मजा आएगा। छोटा सा ब्रेक हुआ, फिर मैंने यहाँ पे भोजन किया। ये पूर्णिमा का दिन था। क्या सुंदर लग रहा है। अभी आप ध्यान से सुनना, ये जो म्यूजिक है ये आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। सो प्रोग्राम को बोलते हैं गंधर्व बादन। गंधर्व बादन ये जो प्रोग्राम है इसके बाद में जो है भावना होगा। भावना मतलब जब सीता माँ के जो बेटे हैं लव अंकुश, उन्होंने जो किया था। काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे। Thank you.
रात का समय हो रहा है 12 o'clock और हम आते हैं मंदिर में। टेंट लगाए यहाँ पे और अभी पीने के लिए पानी निकल रहा है यहाँ से, ये हैंड पंप है। अभी नहा के अभी काफ़ी लेट हुआ है सो रेस्ट करते हैं। गुड नाइट। आज 6 बजे से लगभग हम तैयार हो रहे हैं सेटअप करने के लिए, इतना टाइम जाता है ये, और 10-15 मिनट लगेंगे गाड़ी पे सेट करने के लिए। आप जल्दी उठते होंगे? नहीं नहीं, आज के आज जो लेट हुआ है, आज लेट हुआ है। ये जो है पूरा हमारा सामान रेडी है, अभी गाड़ी पे पैक करते हैं। और आई एम रियली प्राउड ऑफ माई इंडिया, मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ ना, अपना कल्चर बहुत ही सुंदर है। मतलब मैं यहाँ पे आया था कल एज अ गेस्ट, उन्होंने इतना अच्छे से वेलकम किया इस गांव में। रात में मैं जल्दी सो गया, मतलब 12 बजे वगैरह, और उस वक्त मैंने गाड़ी यहाँ पे रखा था, तो देखो यहाँ पे गाड़ी को पूरी तरफ से चेयर्स लगा दिया साइड में सिक्योरिटी के लिए, और उसके ऊपर जो है कपड़ा ढक के रखा है। दिस इज़ माई आसाम, दिस इज़ माई इंडिया। और ये जो है हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में हर एक गांव में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। सो गाइस चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट जर्नी। विपिन चलो अभी हम जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। चला खेलायला आज रविवार चे आई जो का खेलले नाही म्हणलं ना आई 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 जो देलो मी सगळं काम करतो तुझे सईत्या आज रविवार असते अभ्यास नाही नाही येतो मी थोडा वेळानं जो देलो जा पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए रुका हूँ। ये छोटा सा स्टॉल था, काफ़ी देर लाइक 1 घंटा बैठा, दो दोस्त मिले थे ऐसे ही, अभी दोस्त बने यहाँ पे, और उनके साथ में बात किया तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया काजीरंगा के बारे में, कैसे जाना है वगैरह। और अरुणाचल को जाने के लिए, नागालैंड को जाने के लिए इनर लैंड परमिट भी लेना पड़ेगा ऐसे पता चला। सो अभी चलते हैं काजीरंगा जो कोहरा पॉइंट है वहाँ पर। राइट साइड में ऑफिस है ना, और अच्छे ऑफिस। फाइनली काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंच गए। यहाँ पे थोड़ा टाइम था इसलिए हम जा रहे हैं ऑर्चिड नेशनल पार्क देखने के लिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क की सफारी। नमस्ते, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे टोटल 900 स्पीसीज प्रिजर्व किया है ऑर्किड्स के, एंड आई नोटिस का कलेक्शन है। ये जो पहला वाला प्लांट है देखिए, ये वाला असम स्टेट फ्लावर का प्लांट है, यस कॉमन नेम फॉक्स टेल ऑर्किड। जब हमारे यहाँ पे बिहू फेस्टिवल होता है उस टाइम पे लड़कियाँ हेयर में लगा के इसके फ्लावर को बिहू डांस करते हैं। ओह अच्छा, यस। उसका ब्लूमिंग पीरियड होता है अप्रैल महीने में, अप्रैल में उसी टाइम पे हमारा फेस्टिवल भी होता है। अच्छा, और ये देखिए सिलोजाइनी फ्लसी, नॉर्मली ऑर्किड होने के लिए देखिए ऑर्किड के फ्लावर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग ऑर्किड के एक फ्लावर में हमेशा टोटल 6 पेटल होते हैं, उसका 5 पेटल दिखने में सिमिलर होगा, 1 पेटल मॉडिफाइड। तभी सब में ऐसे है? हाँ, सब में ऐसे ही है। ओह दैट इज इंटरेस्टिंग। 5 सिमिलर पेटल है, 1 मॉडिफाइड पेटल, वही फ्लावर ऑर्किड फैमिली में आता है। अच्छा, ऑर्किड फैमिली में जो भी फ्लावर रहता है उसको 6 पेटल्स रहते हैं और उसमें से 1 पेटल जो है अलग होता है, अलग होता है, और 5 सिमिलर पेटल होगा। हाँ दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऑर्किड की मेन खासियत है, हाँ राइट, जैसे कथकली डांसर जैसी, करेक्ट करेक्ट, तो हवा में नाच भी रही है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये सारे बटरफ्लाई ऑर्किड्स, ये बटरफ्लाई सारे हाइब्रिड ऑर्किड्स हैं आजकल जो ज़्यादा साड़ी वगैरह में कस्टमर बूटी वगैरह में, राइट। और ये जो क्लाइंबर वाला प्लांट है ये वेनिला का प्लांट है, जो हम लोग आइसक्रीम केक में वेनिला एसेंस मिलता है, और वेनिला भी ऑर्किड फैमिली में भी आता है। ओ अच्छा, इसमें जब फ्लावर आता है उसके फ्लावर में 6 पेटल ही होते हैं, 5 सिमिलर पेटल, 1 मॉडिफाइड, इसीलिए वेनिला भी ऑर्किड। लेकिन ये सेफ्रॉन के बाद मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट है। अच्छा, ओह वाओ, यहाँ पे देखिए ये पाइनएप्पल ऑर्किड। अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा है।
पाइनएप्पल जैसा। और ये नीचे सारे ग्राउंड ऑर्किड्स, ग्राउंड ऑर्किड हाँ ये दिखा है, उनको सॉइल की जरूरत है। हम आए थे ऑर्चिड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क में, थोड़ा देर यहाँ पे एक्सप्लोर किया है और अभी हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए, फिर से शाम को आएंगे अगर टाइम मिला तो। सो लेट्स गो बैक। ये जो है अभी राइनोज देखा मैंने लेफ्ट साइड में, गोप्रो में ज़्यादा क्लोजअप नहीं ले पा रहे और जितना हो सके मैं दिखाता हूँ। सो गाइस सफारी करके 10 मिनट चालू हुआ है, अभी तक जो है हमें राइनो और हाथी देखने के लिए मिला है। हाथी तो हमने सुबह देखा था, एकदम ब्यूटीफुल रोड क्रॉसिंग कर रहा था बेबी के साथ में, और अभी देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है देखने के लिए। राइनो तो इट वॉज लाइक सो क्लोज, मतलब ऐसे, और उसने लुक भी दिया ऐसे लग रहा था गाड़ी को धक्का मारेगा ऐसे। और सर कैसे लग रहा है आपको? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्लेजेंट एटमोसफियर है। और हाँ सिर्फ बाइक अलाउड करना चाहता फिर और मज़ा आ जाता, बट यहाँ पे अंदर बिल्कुल रिस्की रहता है, इसलिए सिर्फ इनका जो जिप्सी है वही लेकर हम उनके साथ में अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइवर एंड ये पूरा स्टाफ वेल ट्रेन रहता है। अच्छा वनीला है। मुंडी कैसे निकल के बैठे हो? सो गाइज अभी हम रुके हैं काजीरंगा के एक जगह है यहाँ पे, एक डेढ़ घंटे के बाद में सवारी करने के बाद में हम इस पॉइंट पे आते, शायद ये रेस्ट पॉइंट है, और थोड़ा लेक व्यू है आजू बाजू में। वो फेस कितना अंदर डाल रहा है ना मच्छी पकड़ रहे, ओ ले लिया उसने मच्छी, वाह आया है वो मस्त। हाँ पेलिकन बोलते हैं क्या? और ऊपर जाके साइट सीन भी आप कर सकते हो यहाँ से। सो अभी जो है 10-15 मिनट यहाँ पे स्पेंड करेंगे, आधा घंटा फिर यहाँ से निकलेंगे। अरे हाँ लगा है कुछ तो पैर था, जो है काजीरंगा का राइड करके आए हैं। अतुल भाई ने पूरा सवारी करवाया हमें, और ये सब लोग हमारे पार्टनर थे आज की ट्रिप में। कैसे रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया, बहुत सुना। थैंक यू सो मच। चलो और कंपनी भी अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, बाय द वे द बेस्ट पार्ट वॉज कंपनी, लास्ट में जब आते समय हमें लॉन्ग कन्वर्सेशन हुआ हमारा, दैट वॉज इंटरेस्टिंग। फिर सबको बाय बोल के काजीरंगा का ये जो सफ़र है याद करते हुए हम निकले आगे के सफ़र के लिए। बोकाघाट में हम रुके हैं और अभी ये सर मिले हैं यहाँ पे, यहाँ पे है ना एक होली का प्रोग्राम चल रहा है। और ये क्या है? ये वो अंगूठा है जो होली जलाते हैं ना उसका। अच्छा अच्छा, ये साल भर घर में रखते हैं। ओह अच्छा, नाइस नाइस। पूर्णिमा का दिन यहाँ पे सब लोग इकट्ठे आके ये प्रोग्राम करते हैं,
और अभी वो है ना, वो लेके जा रहे हैं नीचे, मैंने होली का अंगूठा। हाँ, होली का क्या बोलते हैं इसको? अंगूठा बोलते हैं। अंगूठा, ठीक है। तो ये लेके जाते हैं और हर पूरा साल भर इसको घर में रखते हैं, ऐसा परंपरा है, इसलिए ये पूरा रखते हैं। तो इसे घर में सब कुछ अच्छा होता है ऐसे। ठीक है अंकल, चलेगा, धन्यवाद। हम जोरहाट के आगे है, निमाड़ी बोल के एक जगह है, माजुले के पास में, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास। सो अभी मैं जो है यहाँ पे डिनर कर रहा हूँ होटल में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 8:00 में। सो यहाँ पे कल रात को मैं रुका था और बहुत लेट हो गया था और मुझे टेंट डाल के रुकना था, तो ये भैया ने यहाँ पे बुलाया था। ये भैया मिले थे उधर, भैया नाम बताया आपका? मेरा प्रिंस कुमार कुल्ला। हाँ, सो प्रिंस भैया ने यहाँ पे लेके आए, कल रात में यहाँ पे रेस्ट किया और अभी मॉर्निंग में 7:30 का फेरी था ईटानगर के लिए, बट उन्होंने बोला कि आज होली है तो आप थोड़ा रुको और बाद में जाओ। आज रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि होली है, तो खेलना पड़ेगा ना, अभी कैसे भेजेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे तो मैं थोड़ा सोचा कि आफ्टरनून तक हम रुकेंगे और अभी थोड़ा वर्कआउट करते हैं, लेट्स गेट रेडी। चलो अच्छा अच्छा, वो ये किया क्या स्प्रे से? नाम क्या बताओ आपका? अभी अभी हम निवाड़ी घाट जा रहे हैं ना, निवाड़ी घाट जा रहे हैं, होली खेलेगा, वहाँ पे क्रिकेट खेलेगा, उसके बाद खाना पकाएगा, खाना भी खाएगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र में हम लोग नहाएगा। आपको हम आए हैं निवाड़ी घाट में और जोड़ू भैया ने आज का प्लान किया है, अभी जो है हम यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद में खाना वीना खा के स्विमिंग करेंगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट, और उसके बाद में जाएंगे रिटर्न। अरे ब्रह्मपुत्र के किनारे में भोजन कर रहे हैं, मेरे लिए वेज बनाया था। अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं अपने घर में। यस, आज का जो है एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। मॉर्निंग एक्टिविटी करके यहाँ पे आया हूँ, अभी योगा करूँगा और उसके बाद में आज जाएंगे हम ईटानगर के लिए। चल आओ। सो माता जी का आशीर्वाद लेके हम निकले ईटानगर के लिए। थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि फर्स्ट फेरी 7:30 को रहता है, फिर हमने सेकंड फेरी लेने के लिए डिसाइड किया। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, 8:30 का हमारा फेरी है, सो अभी निकलते हैं उसके लिए। और एक दोस्त मिला है, दिखाता हूँ आपको बाद में। एंट्री करना पड़ेगा भैया, करोगे एंट्री मेरे लिए? थोड़ा सामान है ना, चले। थैंक यू भैया। करण सर मिले हैं दिल्ली से, अभी हम निकल रहे हैं निमाड़ी घाट से रहे, और ये कितनी देर में पहुंचेंगे? अभी 40-45 मिनट्स में पहुंचेंगे, कमलाबारी जा रहे हैं। सो लेट्स गो, काफ़ी सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ पे बोट से। अभी हम पहुंच गए माजुली में, अभी यहाँ से जो है तो काफ़ी खतरनाक एडवेंचर होने वाला है, सो चलो देखते हैं। यहाँ ये रास्ता देखकर थोड़ी देर के लिए लगा कि किरण सही तो जा रहा है ना, अभी मतलब क्योंकि ये भी मेरे लिए अननोन था, एक्चुअली उसे भी रूट पता नहीं था क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों के बाद में यहाँ आया था। जो माजुली है वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता था अंदर से पूरा खेत वीत में से, अभी आपने देखा होगा, वहाँ से हम आए हैं अभी एक पॉइंट पे शनि मोर। सो शनि मोर से हम फिर से
ये वाला छोटा फेरी है, यहाँ पे गाड़ी लोड करेंगे और फिर आगे वाला जो पॉइंट है जिसका नाम है बिहपुरिया, सो बिहपुरिया जाएंगे और उसके बाद में फिर नारायणपुर जाएंगे, नारायणपुर से ईटानगर सर निकल जाएंगे, ईटानगर मैं जाऊँगा। यस, अरे क्या खतरनाक गिरा वो। सूर्य मतलब खींचो। अचानक होने वाले अनुभव ही तो सफर को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। दशरथ भाई, और फाइनली पहुंच गए हम, जगह का नाम है बिहपुरिया। देखो भाई एकदम जंप करके बोट के पहले ही उधर जाके खड़े हो गए, सो ये होता है कॉन्फिडेंस। गाड़ी ऐसी जाएगी ऊपर, रेडी? यस, जरूरी काम है कुछ जगह पे। हाँ, उनके साथ में वो नारायणपुर में जाना है थोड़ा। आपको मैं एक काम कर सकता था, मेरे साथ मैं आपको बीपता सोर के मैं जहाँ तक जाना है ना आपको असली समझा दे सकते। हाँ तो चलो साथ में चलते ना, वो भी है। शादी में जा रहा हूँ मैं। हाँ क्या? खाना खाना वाना खा के आस से जाओ। अच्छा ठीक है, एक बार बात करते हैं उनसे, अगर वो नहीं बोलते फिर हम जाएंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह मतलब प्रॉब्लम कुछ होगा ही नहीं, मछली भी नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस मेरा मिस। हाँ तो चांग घर बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल है। एक शादी अटेंड किया, खाना खा के भाई लेके गए थे हम, किरण किरण आसाम से है, मौजोली से। अभी हम निकलेंगे ईटानगर के लिए। हाँ, भाई का कहना है कि थोड़ा सा मतलब जिनके साथ में ही बात करोगे थोड़ा काम से काम रखो ऐसे। बस असम में खुल के बात करो भाई, असम तो अपना है, कोई टेंशन ही नहीं। एक एड्रेस डाल के दिया है उन्होंने ईटानगर के लिए, वहाँ पे जाएंगे। सो शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट से, सो लेट्स गो, चलो बाय बाय, सब्सक्राइब एंड शेयर, यस प्लीज डू। घर गए, घर देख के अपने टोकन की याद आ रही है। कोथाली पहाड़। हेलो गाइज, अभी हम रुके हैं कोथाली पहाड़ पे। अभी जो ड्रोन शॉट देखा आपने वो है कोथाली पहाड़ शिवजी का मंदिर का, राइट? बहुत बार गूगल मैप के रास्ते सही नहीं होते हैं, इसीलिए ये ईटानगर कितना दूर है यहाँ से, लोकल लोगों से कंफर्म करना पड़ता है कौन से रास्ते की कंडीशन अच्छी है। ईटा फोर्ट कहाँ पे? थैंक यू। अभी हम आए ईटानगर और ये ईटानगर में ईटा फोर्ट है। इसको ईटा फोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा ये जो है ईट मतलब ब्रिक्स से बना हुआ है, इसीलिए पूरा जो है ब्रिक्स रखा है जिसको हिंदी में ईटा बोलते हैं, और इसीलिए इस फोर्ट को ईटन फोर्ट बोलते हैं। अभी जो फोर्ट है बंद किया हुआ है पब्लिक के लिए, मैं बहुत दूर से आया था इसलिए रिक्वेस्ट करने पे थोड़ा अलाउ किया। पूरा काम चल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है ऊपर। फिर हम चले गोम्पा टेम्पल देखने के लिए, रात हुआ था बट फिर भी मंदिर ओपन था तो दर्शन लिया वहाँ से। यहाँ पे मुझे एक क्लास वन ऑफिसर्स का ग्रुप मिला जिनमें से एक ऑफिसर अपने वाशिम के थे। थैंक यू सो मच सर, अराउंड द वर्ल्ड कम टू हेल्प, गॉड ब्लेस यू। या थैंक यू सो मच सर, आई लव्ड इट, आई कम बैक टू वाशिम एंड बुल्ढाणा।
That is Lunar. Yes, sir. Obviously. Don't forget Lunar. Yeah, yeah. Keep it up. Your adrenaline rush. Try to market Lunar. Yeah, sir. Obviously. You should tell that you are from Lunar, which is the place representing the second largest crater in the world. Best place. Yes, in the world. It's very special. Best. Unique thing. That's best of luck, dear. Thank you. Okay, all the very best, Dashrath. Yes. May God bless you. Thank you. फिर मैं एक पार्क में गया, वहाँ पे मुझे दो जन मिले और फिर उनके साथ में दोस्ती हुई। उन लोगों ने मुझे खाना खाने के लिए ईटानगर का जो टॉप पॉइंट है, व्यू पॉइंट, वहाँ लेके गए। फिर हमने वहाँ पे खाना खाने के बाद में उनमें से एक जो है अभिषेक, उन्होंने मुझे उनके घर पे स्टे करने के लिए कहा। ये अपने नए दोस्त लोग मिले यहाँ पे, हम अभी पार्क में मिले थे और अभी इनके साथ में हम यहाँ पे बैठ के व्यू देख रहे और थोड़ा मतलब खाना खाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अभिषेक ने मुझे उसके घर स्टे करने के लिए बोला, तो मैंने हाँ बोला और हम लोग फिर अभिषेक के घर गए। महाराष्ट्र पुणे से है, बाइक लेके आया वहाँ से। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक कमेंट जरूर करना, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अरुणाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने।